गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हाय, आई एम प्रिया धर्मेश तिवारी फ्रॉम बेस्ट इंग्लिश स्कूल। टुडे वी आर गोइंग विद सब्जेक्ट इंग्लिश फॉर अ स्टैंडर्ड सेकेंड, स्टॉर्म इन द गार्डन। टुडे वी विल डू द एक्सरसाइज फ्रॉम वर्कबुक ऑफ दिस चैप्टर। आज हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज हमारी वर्कबुक में है उसको सॉल्व करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू आर इन्जॉइंग द वीडियो एंड लर्निंग ऑल्सो। वेरी गुड थिंग दैट ऑल ऑफ यू आर स्टडिंग एट होम। आई एम वेरी हैप्पी। चलिए अब हम जो है अपनी वर्क बुक की एक्सरसाइज जो है स्टार्ट करते हैं। इफ़ यू हैव अ वर्क बुक, यू कैन ओपन द पेज नंबर 62 एंड डू द एक्सरसाइज विथ मी। लेट्स स्टार्ट। हु वॉज सुनो सुनो, सुनो सुनो कौन था? सुनू सुनू कौन था? तो सुनू सुनू वॉज अ स्नेक। हु वॉज सुनू सुनू विजिटिंग, यानी कि जो सुनू सुनू के पास विजिटिंग करने कौन आया था? एंट्स। द एंट्स डैश ऑल ओवर सुनू सुनू। जो एंट्स थी वो सुनू सुनू के ऊपर क्या कर रही थी? जंप कर रही थी, डांस कर रही थी, रन कर रही थी कि क्लाइंब कर रही थी? तो आंसर विल बी क्लाइंब, यानी कि उसके ऊपर चढ़ रही थी ना, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा क्लाइंब, डी ऑप्शन आएगा। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? सी एल आई एम बी ई डी, क्लाइंब। सडनली क्रैश्ड थ्रू द क्लाउड्स, यानी कि सडनली मीन्स होता है अचानक। अचानक जो है क्लाउड से मीन्स क्रैश्ड हुआ, तो क्या? Lightning, answer will be lightning. Where were the ants hiding? Ants जो है अपने आप को जो है कहाँ छुपा रही थी? Answer will be under a flower pot. The ants told सुनो सुनो to dash home. Ants जो थी उन्होंने सुनो सुनो को क्या बोला कि जो है तुम जो है जल्दी से अपने घर चले जाओ, है ना? तो answer will be hurry. Where was सुनो सुनो's mother sitting? सुनो सुनो की जो मदर थी वो कहाँ बैठी थी? On a stone near the well. सुनो सुनो heard the wind ऊ ऊ। आंसर विल बी, जो मतलब हवा जो थी वो कैसे चल रही थी? ऊ ऊ करके चल रही थी ना, तो जो हवा की साउंड को हम किससे करते हैं? ब्लो। ओके, विंड को हम किससे करते हैं? ब्लो से। सुनो सुनो was tree sway, है ना, जो पेड़ों से भी बहुत तेज़ आवाज़ें आ रही थी स्वे स्वे करके। सुनो सुनो वॉज लाइटनिंग जैक जैक, है ना, तो जो लाइटनिंग थी वो क्या कर रही थी? फ्लैश, यानी कि चमक रही थी। सुनो सुनो हर्ड थंडर रोल, गुड़ुम गुड़ुम ऐसे आवाज़ें आ रही थी ना थंडर की, यानी कि जो बादलों से जो गड़गड़ाहट होती है वो कैसी आती? गुड़ुम गड़ाम ऐसे करके आती है ना। सुनो सुनो हर्ड रेन रेन फॉल, सित्ता पित्ता ऐसे करके आवाज़ें आ रही थी। सुनो सुनो हर्ड वाटर ड्रिप प्लिप प्लिप, है ना। सुनो सुनो डिड नॉट गेट वेट बिकॉज ही हिड इन हिज शेल, ठीक है, यानी कि उसने अपने आप को अपने शेल के अंदर छुपा लिया था, इसलिए जो है वो पानी में नहीं भीगा था। मैंने आपको ये भी बताया था कि शेल के जो स्नेल होता है उसके अंदर ये मतलब एक खासियत होती है कि वो अपने आप को अपने जो उसके जो शेल होते हैं उसके अंदर पूरा छुपा लेता है ना। गो टू द नेक्स्ट पेज। थंडर रोल आर ओ डबल एल एस रोल्स, विंड ब्लोज बी एल ओ डब्ल्यू एस ब्लोज, वाटर वाटर ड्रिप डी आर आई पी एस ड्रिप्स। थंडर का हमारा क्या था? रोल्स। विंड का हमारा आ गया ब्लोस। वाटर ड्रिप्स। लाइटनिंग फ्लैश एफ एल ए एस एच ई एस फ्लैश। रेन रेन फॉल एफ ए डबल एल एस फॉल्स। ओके, रेन क्या करती है? फॉल्स। ट्रीज स्वे
आंसर विल बी स्वे, एस डब्ल्यू ए वाई, स्वे. ओके, राइट टू राइमिंग वर्ड्स. तो जैसे देखिए इसमें है प्ले, ओके हमारा क्या आ जाता है प्ले, तो आप लिख सकते हो देखिए प्रे, स्टे, है ना, ब्लैंक. ब्लैंक का क्या हो सकता है हमारा, देखिए ब्लैंक का हम लिख सकते हैं आर ए एन के, रैंक, और बैंक, बी ए एन के, बैंक. ठीक है, रैंक, बैंक, ब्लैंक. डॉग, डॉग को तो आपको सभी का पता है आपको ना कि फॉग भी लिख सकते हैं. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप डॉग से मीन्स राइमिंग वर्ड बना सकते हो. ड्रेन, तो ड्रेन का हम क्या लिख सकते हैं, रेन लिख सकते हो आप, है ना, आर ए आई एन, रेन. और क्या लिख सकते हैं हम, ग्रेन, जी आर ए आई एन, ग्रेन. ठीक है, और देखिए यहाँ पे है मैश, तो हम लिख सकते हैं कैश, फ्लैश, फ्लैश. ठीक है, तो मैच का फ्लैश लिख सकते हो, क्लैश लिख सकते हो, है ना. तो राइमिंग वर्ड तो आपको खुद ही करना है, डू इट योरसेल्फ. ओके, चलिए अब हम ये करते हैं. इसमें देखिए हमें सब चीज़ों की साउंड बतानी है कि ये जो हमें जो यहाँ पे पिक्चर दी गई है, देखिए लिखा है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट द साउंड वर्ड्स. ठीक है, हमें यहाँ पे इसके साउंड वर्ड्स लिखने हैं. तो देखिए जो हमारी वॉच है, ठीक है, जो तुम्हारी यहाँ पे क्लॉक दी गई हुई है, तो इसको हम किससे, इसकी साउंड कैसी होती है, तो ऑब्वियसली इसकी सॉन्ग जो होती है साउंड वगैरह वो कैसी होती है, इसकी टिक टॉक, कैसी होती है, टिक टॉक. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टिक टॉक. टी आई सी के, ठीक है, ये आपको टिक टॉक यहाँ पे लिखना है. और ये देखिए, ये देखिए आदमी है कार के अंदर बैठा हुआ है, बहुत गुस्से में है, तो ये क्या कर रहा है, ये हॉन्क कर रहा है. क्या कर रहा है, हॉन्क, एच ओ एन के. हॉन्क मीन्स होता है मीन्स जो हमारे कार में वगैरह जो हमारे आप जाते हो, आप कार में जब आप कार में आप जाते हो, है ना, आप ट्रैफिक में जाते हो तो हॉर्न बजाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हॉन्क. ठीक है, यानी कि हॉर्न बजाना, तो उसको इंग्लिश वर्ड हमारा क्या आता है, हॉन्क. ओके, फिर देखिए बेल है, तो ये क्या है हमारी, डिंग डोंग. ठीक है, आपने इसकी पोएम भी सुनी होगी, डिंग डोंग बेल, पुसी इन द बेल, है ना, तो ये हमारा इसका वर्ड आ जाएगा डिंग डोंग. ठीक है, ये डिंग डोंग, तो आपको यहाँ पे लिखना है डिंग डोंग, डी आई एन जी डिंग, और डी ओ एन जी डोंग. तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, डिंग डोंग. यहाँ पे हमें जितनी भी चीज़ें दी हैं उनकी हमें जो है साउंड बतानी है. ठीक है, तो हम देखिए डिंग डोंग लिख देते हैं, डी आई एन जी डिंग, और डी ओ एन जी डोंग. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्रैकर्स हैं, क्रैकर्स की जो साउंड होती है कैसी आती है, बूम करके आती है ना, कैसे लिख आती है, बूम करके, तो आप यहाँ पे बूम लिख सकते हो. ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे स्प्लैश, है ना, यानी कि जब पानी में कोई ऐसे मतलब कूदता है तो कैसी आवाज़ आती है, छपाक से, है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लैश. ओके, ये देखिए क्या कर रहा है, नॉक नॉक, क्या कर रहा है, नॉक नॉक, दरवाजे पे जब हम कुछ ऐसे मतलब खटखट करते हैं तो उसको आवाज़ क्या बोलते हैं, नॉक, के एन ओ सी के, नॉक नॉक, है ना. देखिए ऊपर इसके सारे वर्ड्स दिए हैं, आप जो है उसमें से देख कर भी लिख सकते हो कि कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन सी पिक्चर हैं, कौन कौन से हमारे जो वर्ड इसमें सुटेबल हो जाएंगे. ठीक है, तो नॉक नॉक हो गया. अब देखिए ये मोबाइल, इसकी हम साउंड लिखेंगे बीप बीप, क्या लिखेंगे, बीप बीप. कंप्यूटर की साउंड हो या हमारे मोबाइल की साउंड हो, उसमें हम लिखते हैं बीप बीप. ये देखिए हमारा इसमें आ जाएगा बीप बीप. और ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक लड़का है और ये जो है पेड़ से गिर गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, थर्ड, थर्ड, थर्ड मीन्स होता है गिरना, थर्ड मीन्स क्या होता है, गिरना. अब ये देखिए जो जो बारिश की आवाज़ है,
तो इसको हम क्या लिखेंगे, पिक्चर पैटर्न, पिक्चर पैटर्न, ठीक है, क्या लिखेंगे, पिक्चर पैटर्न, ये आपको लिखना है पिक्चर पैटर्न, पी ए डबल टी ई आर, पिक्चर पैटर्न, ठीक है। आप पेंसिल से लिखेंगे तो ये आपका पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अब ये जो आदमी है ये देखिए बहुत स्पीड में जो है कार चला रहा है, तो इसकी साउंड हो जाएगी जूम। देखिए वैसे अगर हम मोबाइल में जब जूम करते हैं तो बहुत चीज़ हमारे पास आ जाती है ना, वो अलग चीज़ है। जूम मीन्स होता है तेज़ी से गुजरना या तेज़ी से उड़ान भरना, ठीक है, उसके लिए भी हम जूम वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज देखिए हो गई है, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, नाउ गो टू द नेक्स्ट पेज। द बॉयज आर क्लाइंबिंग, क्या आएगा, अप, क्लाइंबिंग अप द ट्री। द डॉग इज इन फ्रंट ऑफ द कैनल, क्या आएगा यहाँ पे, इन फ्रंट, एफ आर ओ एन टी, इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मीन्स होता है सामने, ओके। द डॉग इज ऑन द चेयर, देखिए इन फ्रंट ऑफ माने होता है सामने, ऑन मीन्स होता है ऊपर, तो ये देखिए डॉगी जो है ये चेयर के ऊपर बैठा है, सो वी विल हैव टू यूज ऑन, ओके। देखिए ये रैबिट है, ये पेड़ के नीचे है, है ना, तो जब कोई चीज़ किसी के नीचे होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, अंडर, यू एन डी ई आर, अंडर। द रैबिट इज, क्या आएगा यहाँ पे, द रैबिट इज, द रैबिट इज, देखिए अब ये जो रैबिट है हमारा ये कैप के अंदर है, तो जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इन, क्या यूज़ करते हैं, इन, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इन, द रैबिट इज इन द हैट, द बॉय इज अंडर द बेड, है ना। देखिए अंडर यानी कि बेड के नीचे है, तो क्या लिखेंगे, अंडर, यू एन डी ई आर, अंडर। द गर्ल इज कमिंग डाउन, देखिए ये झूले से नीचे आ रही है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी ओ डब्ल्यू एन, डाउन, ठीक है, आपको डाउन लिखना है यहाँ पे। द हॉर्स इज जंपिंग, ओके, फेंस, द फेंस, तो देखिए ये जब कोई चीज़ किसी के ऊपर से पूरी मतलब ऊपर से गुजरती है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ओवर, क्या यूज़ करते हैं, ओवर, तो आप हॉर्स में लिखेंगे ओवर, ठीक है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। हम यहाँ पे जो है द हॉर्स इज जंपिंग ओवर द फेंस, ठीक है। अब देखिए 67 जो पेज है उसमें आपकी कर्सिव राइटिंग है, ठीक है, आपको वो लिखनी है, और जो है 68 पे भी कर्सिव राइटिंग है हमारी, वो लिखनी है। अब देखिए हम इस पे आते हैं, कंप्लीट द क्रॉस वर्ड पजल यूजिंग द पिक्चर एज क्लूज। हम यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं, ये तो आप सब कर लोगे मुझे पता है ना। यहाँ पे आपको एस यू एन, सन, तो एम डबल ओ एन, मून हो जाता है ना, एस टी ए आर, स्टार, तो आर ए आई एन, रेन, है ना। ये देखिए हमारी ग्रास है, तो आपको लिखना है जी आर ए डबल एस, ग्रास, और ये देखिए हमारा हो जाता है टी आर डबल ई, ट्री। रिवर, आर आई वी ई आर, रिवर, और ये क्या हो जाता है हमारा, हिली, एच आई डबल एल वाई, हिली। हिली क्यों कहेंगे, क्योंकि माउंटेन नहीं है, जब छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं तो उसको हम हिली बोलते हैं ना, हिल जो होता है, जैसे ये आपका हो गया है। अब ये आपको रैमी वर्ड्स आपको खुद करने हैं, फाउंड करने हैं, क्योंकि जो है सॉरी आपको जो है रैमिंग वर्ड्स जो हैं वो आपको फाइंड करने हैं कि डिट का क्या होगा, ठीक है। तो ये रैमिंग वर्ड्स देखिए यहाँ पे 3 दिए हुए हैं आपको, 3 यहाँ पे कुछ आपको रैमिंग वर्ड्स तो इस पिक्चर से भी मिल जाएंगे यहाँ पे, है ना। जैसे कि डेड है तो देखिए किड, लिड, है ना। फिर आता है फिग, तो आप लिख सकते हो पिग,
फिर और आपको फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे रैमिंग वर्ड्स हैं। आपको जो है रैमिंग वर्ड देखिए मैंने बहुत सारे करवा चुकी हूँ, कई बार करवाए भी हैं, तो आई होप आप ये आपको ये वाली एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जो है ये एक्सरसाइज जो है इसको पूरी कंप्लीट करनी है, और जो मैंने आपको कर्सिव राइटिंग का जो पेज बताया है वो भी आपको फिल करना है होमवर्क में। ओके, देखिए ये जो राइमिंग वर्ड्स हैं इसको आपने कई बार मतलब खुद भी करे हैं, ठीक है, तो आप इसको आप ज़रूर करिएगा। ओके, स्टे होम, स्टे सेफ, विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन आई वुड लाइक टू पैक अप, बाय गाइस।